हेलो एवरीवन, तो है मेरा नाम ईरा है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और नेल टेक्नीशियन हूँ। और यहाँ हम करने जा रहे हैं हमारी नेल एक्सटेंशंस की फोर्थ क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अपने नेल्स को कैसे पेस्ट करते हैं और उसको कैसे बफ करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, वो सीखेंगे। हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें अपने नेल्स को कैसे प्रिपेयर करना है बिफोर डूइंग आवर एक्सटेंशंस। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने नेल कटर की हेल्प से अपने फ्री एज एरिया को, फ्री एज एरिया मतलब जो भी मेरे नेल का बढ़ा हुआ एरिया होता है, जो नेल प्लेट से ऊपर का एरिया होता है, उसको कट किया। और उसके बाद ये जो मेरी लाइन है, ये वाली, इसको राउंड शेप, इसको गोलाई की शेप दी ताकि ये बिल्कुल राउंडेड हो जाए। उसके बाद मैंने अपने रियल नेल्स की नेचुरल शाइन को रिमूव किया और उसके बाद एक पूफी ब्रश की हेल्प से मैंने सारी डस्ट को क्लीन करती रही। क्यूटिकल्स से क्यूटिकल्स को पुश किया और क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स को कट किया। और उसके बाद हमने क्या किया था, इस टिप बॉक्स से हमने देखा था, 0 से लेकर 9 नंबर तक हमारे पास टिप्स होती हैं। 0 नंबर सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारी टिप का साइज छोटा होता रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी टिप्स हाफ लॉक होती हैं। हाफ लॉक मतलब दिस वन, हाफ लॉक हाफ ओपन, दीज आर द प्रोफेशनल टिप्स जो हम यूज करते हैं अपनी एक्सटेंशंस के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था कि जब भी हमें अपनी एक्सटेंशंस को चूज करना है, जब भी हमें अपने टिप को देखना है कि हमारी टिप्स पे कौन सी साइज एप्रोप्रिएट है, उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है साइड वॉल्स को मेजर करना। अगर हमारी साइड वॉल्स इक्वल है, ना तो मेरा नेल छोटा है और ना ही मेरा नेल बड़ा है, मतलब ये देखिए, जैसे मैंने ये टिप लगाई, इसके बाद मुझे देखना है दोनों साइड वॉल्स को। अगर ये साइड वॉल्स मेरे नेल के साइड वॉल से बाहर आ रही है तो ये नेल मेरे नेल के लिए परफेक्ट नहीं है। और सेम वे अगर ये टिप छोटी होती है और फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आता है तो भी ये टिप मेरे नेल के लिए परफेक्ट नहीं है। ये टिप परफेक्ट है जब हम ये ऐसे आएगी बोथ द साइड से। और हमने देखा था कि हमें अपने टिप्स को सबसे पहले मेजर कर लेना चाहिए, अपने या क्लाइंट्स की टिप को सबसे पहले मेजर कर लेना चाहिए और उसको साइड में लगा लो और उसके बाद आपको नेल ग्लू की हेल्प से टिप्स को अपने नेल्स पे पेस्ट करना होगा। तो आइए आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब हमें टिप्स को पेस्ट करने के लिए चाहिए हमारे फेक नेल्स, हमारी नेल ग्लू एंड हमें एक टिश्यू पेपर चाहिए और एक साथ में हैंड रेस्ट हो तो ये बहुत एप्रोप्रिएट रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने टिप उठाई, मैंने ये टिप उठाई है अपने थंब की जो कि नंबर है 1। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि हमें टिप्स को कैसे चूज करना है। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये जो मेरा हाफ सी बना हुआ है, मुझे सिर्फ इस पार्ट में ग्लू को अप्लाई करना है और इसे अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। और उसके बाद एक टिश्यू अपने पास मुझे रखना है और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू होगा वो टिश्यू के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, हमें अपने थंब को कुछ इस तरीके से रखना है, पहले लॉक लगाना है, लॉक लगाना है और उसके बाद प्रेस करना है और मेक श्योर आप इसे 20-30 सेकेंड्स के लिए, गुड टाइम के लिए इसे आप प्रेस करके रखें ताकि ग्लू अच्छे से नेल में चिपक जाए और हमारे नेल में कोई भी बबल ना बने। अगर हमारे नेल में कोई बबल बनेगा तो इट मींस वो एरिया में एयर आ जाएगी और हमारा नेल जल्दी निकल सकता है। ये देखिए,
उसके बाद मैंने अपने इंडेक्स फिंगर के लिए जो टिप चूज की थी वो है दिस वन। आइए अब इसे पेस्ट करते हैं। पहले मैंने हाफ सी पे ग्लू लगाया और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू होगा उसे मुझे अपने टिश्यू पे डालना है और उसके बाद अपनी टिप को पकड़ के कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है फॉर 20 to 30 seconds। ये देखिए, जितना बबल नहीं आएगा उतनी मेरी टिप अच्छी चिपकेगी। ये देखिए, साइड वॉल्स से भी ये सब हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मिडल फिंगर पे और मिडल फिंगर के लिए मैंने ली थी टिप साइज नंबर 5। देखिए आपकी टिप्स के यहाँ पे ऊपर दिस एरिया, आपको आई डोंट नो आपको कैमरा में विजिबल है या नहीं, बट ये देखिए हमें टिप के साइज के ऊपर नंबर दिख जाएगा। सेम वे हमें इसमें ग्लू लेना है। ये हमने इसमें ग्लू लगाया, अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को टिश्यू पे गिराया और उसके बाद ऐसे इसको अपनी रिंग फिंगर पे लगा दिया। देखिए, एज यू कैन सी देयर इज नो बबल इन द टिप। आपको एक फंडा अप्लाई करना है, पहले लॉक करो और फिर उसे 20 to 30 seconds के लिए प्रेस करके रखो। नाउ इज द टर्म फॉर आवर दिस फिंगर। सेम वे आपने ग्लू लगाया, एक्स्ट्रा ग्लू को टिश्यू पे गिराया और उसके बाद आपने इसे पेस्ट करना है हाफ लॉक हाफ ओपन टिप। अगेन 20 to 30 seconds के लिए आप इसे प्रेस करके रखें। कोई भी टिप टेढ़ी मेढ़ी ना लगे, ऐसा ना हो कि हमारा नेचुरल नेल तो सीधा है और हमारी जो टिप है वो टेढ़ी मेढ़ी है। अगेन ग्लू लगाओ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वाइप ऑफ एंड देन टेक योर हैंड प्रेस द नेल इन द पिंकी फिंगर। एक नाउ साथ के साथ आपको अपनी ग्लू को बंद करना है। इन चीजों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये ऑक्सीजन के मैच में आकर बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। अपने टिश्यू को हटाइए। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं इन टिप्स को। देखिए, जैसे जैसे मेरा नेचुरल नेल है वैसे वैसे मेरी टिप है। ऐसा नहीं कि आप टिप टेढ़ी मेढ़ी लगा दें, नहीं तो आपको नेल फिर से निकालना पड़ेगा, उसे बफ करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं एंड दैट इज आवर टिप कटर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका क्लाइंट जो भी आपको डिजायर्ड शेप बताता है। देखिए, चलो आइए एक बार हम शेप्स रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक टोटल कितनी शेप्स की है? नंबर 1 स्क्वायर, राउंड, ओवल, आप मेरे साथ साथ बोलिए, स्क्वोवल, एलमेंट, स्टेलिटो, कॉफिन एंड बैलरीना। ठीक है, तो अपने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग आप टिप के साइज को कट कीजिए। आपको इस तरीके से क्लाइंट अपना नेल देगा
आपको कटर उसके अंदर डालना है और इसे कट करना है, क्योंकि मुझे ज्यादा लंबे नेल्स नहीं चाहिए इसीलिए मैं इसे कट कर दूंगी। ये देखिए, इसके बाद आप एप्रोप्रिएट शेप दे सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल एक्सटेंशंस करना है तो आपको इस टिप कटर से अपने टिप्स को कट करना होगा, ना कि नेल कटर से। नेल कटर से ये टिप्स आपकी कट नहीं होंगी। ये देखिए, ये देखिए, अब जो इस टिप की एजेस हैं ये बहुत शार्प है, ये मेरी स्किन में चुभ सकती है, इसीलिए मैं इसे सॉफ्ट स्क्वायर की शेप प्रोवाइड करूंगी। आप देख सकते हैं मेरे फाइलर का मूवमेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए, मुझे इतने ही डिजायर्ड लेंथ अपनी रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। सेम आपको सब नेल्स को करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे नेल्स की लेंथ इक्वल हो, कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। ये हमने इसको साइडों से किया ताकि ये मुझे इसके कॉर्नर्स चुभे नहीं। ये देखिए, और थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे ये टिप थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे फिर से कट करूंगी। और इसे अब प्रॉपर स्क्वायर, सॉफ्ट स्क्वायर शेप प्रोवाइड करूंगी। साइड्स करना मत भूलिएगा। ये देखिए, मैंने इतनी ग्रोथ रखी है अपने नेल्स की। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। नाउ आवर पिंकी फिंगर टर्न। And now is the turn of our thumb. थोड़ा सा राउंडेड शेप दे दें ताकि ये चुभे नहीं। आपको अपने फाइलर को यू मूव करना होगा। अभी आपको ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा ये रियल नेल है और ये आर्टिफिशियल नेल है, ये आपको अलग अलग लग रहा होगा। इस स्टेप के लिए आपको अब इसमें
अपनी फेक नेल को अपनी रियल नेल में मर्ज करना होगा। आपको इस टिप को इसमें ब्लेंड करना होगा। तो आपको फाइलर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और ये हमारी टिप, और इसको 45 डिग्री में ले जाइए और यहाँ पे अपना फाइलर मूव करें ताकि मेरी ये लाइन बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। दिस प्रोसेस कैन टेक टाइम, बट इससे आपके दोनों नेल्स अच्छे से मर्ज हो जाएंगे एंड नोबडी कैन जज कि आपका रियल नेल या आर्टिफिशियल नेल कौन सा है। कैन यू सी दिस? अगेन यू कैन यूज द बफर पूफी ब्रश की हेल्प से हम एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव कर देंगे। आप साइड्स नहीं भूलिएगा। ये देखिए मेरा फाइलर पकड़ने का तरीका। बिल्कुल भी साइड्स को नहीं भूलिएगा और साइड वॉल्स में भी आपको अपने फाइलर को कुछ इस तरीके से चलाना है। अब साइड के लिए आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। इससे मेरा साइड एरिया बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अगेन आई एम यूजिंग पूफी ब्रश। अब भी देखिए ये साइड में आपको थोड़ा सा व्हाइट पार्ट यहां और यहां पे दिख रहा है, हम इसे भी अच्छे से मर्ज करेंगे। साथ साथ आपको अपने आर्टिफिशियल नेल की शाइन को भी रिमूव करना है, तो आप साथ साथ अपने पूरे नेल को भी एक बार बफ कर दें। ये देखिए अगेन क्लीन ऑफ द डस्ट। और जब तक आपको लगे कि आपका नेल एक जैसा नहीं लग रहा, आप उसे लाइट हैंड से बफ कीजिए। और साथ साथ अपनी शेप को भी फाइन कीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा थंब और मेरे बाकी नेल्स। हमें इन सब नेल्स की इस टिप लाइन को ब्लेंड करना है अपने नेल में, अपने नेचुरल नेल में। तो आइए अब हम वो भी करते हैं। ये देखिए मेरा थंब, अब इसे टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस लगेगा। आइए अब हम अपनी इंडेक्स फिंगर करते हैं। अगेन मैंने अपने फाइलर को इस तरीके से पकड़ा, मेरा थंब और मेरी इंडेक्स फिंगर ऊपर, मेरी थ्री फिंगर्स नीचे। स्लोली आपको अपने रियल नेल पे बफर नहीं चलाना, उस लाइन को ब्लेंड करना है बस। और ध्यान रहे जब भी क्लाइंट को गर्म लगे तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगेन साइड्स करें। ये देखिए अगेन आई एम यूजिंग द पूफी ब्रश टू क्लीन माई नेल।
अभी भी ये अभी भी ब्लेंडेड नहीं लग रहा, मैं फिर से इसे ब्लेंड करूंगी। Can you see this? ये देखिए, आप इसको टच करेंगे तो नोबडी कैन जज। अभी भी यहां से हल्की सी गुंजाइश है, पर मुझे कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। अगेन अपने बफर को यूं पकड़िए और इसे अच्छे से बफ कीजिए। अपनी लाइन को अच्छे से मर्ज करें। इंडेक्स एंड दिस वे माय मिडिल फिंगर इज आल्सो रेडी। अब साथ साथ अपनी शेप को भी थोड़ा फाइन कर लें एंड सी, जस्ट क्लीनिंग माय डस्ट। अगेन आई एम क्लीनिंग द डस्ट। अभी भी बहुत है इसके अंदर क्लीन करने वाला। साथ साथ आप डस्ट को क्लीन करें ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपका अभी कहां से रहता है अपना बफ करना। और मुझे इस तरह से अपने नेल्स को देखना है और जो भी इसके साइड्स में फंसा हुआ होता है उसे क्लीन करना है। अगेन आप अपने पूरे नेल की शाइन को रिमूव करेंगे, इंक्लूडिंग योर आर्टिफिशियल नेल। एंड दिस इज ऑल्सो डन। एंड नाउ इज द टर्न ऑफ माई पिंकी फिंगर। माई नेल्स आर रेडी। दिस इज द बेस फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशंस, ईदर इट इज जेल एक्सटेंशंस और एक्रेलिक एक्सटेंशंस। ये बेस है मेरे एक्रेलिक एक्सटेंशंस या फिर जेल एक्सटेंशंस का। इतना प्रोसेस तो आपको करना ही है। देखिए मेरा नेल एकदम ब्लेंडेड लग रहा है, बिल्कुल टिप लाइन भी मर्ज हो गई है। एंड दिस वे हम अपने नेल्स को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम नेल बिल्डिंग पे जाएंगे ताकि इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। मैंने अपनी नेल को शॉर्ट सॉफ्ट स्क्वायर लेंथ प्रोवाइड की है। आप चाहें तो अपने नेल को बढ़ा कर सकते हैं, उसे कॉफिन शेप दे सकते हैं, या आप उसे एनी शेप ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बिल्डिंग जेल अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको मैं पूरी थ्योरी बताऊंगी कि एक्चुअली नेल बिल्डिंग में होता क्या है और उसके क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे नेल्स के ऊपर अबाउट आवर बिल्डिंग प्रोसेस। तो आइए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फ्री एज एरिया को काटा और उसको राउंडेड शेप दी, क्यूटिकल्स को पुश किया, क्यूटिकल्स को कट किया, अपने नेचुरल नेल की शाइन को रिमूव किया, पूफी ब्रश से सारी डस्ट को क्लीन किया। उसके बाद मैंने अपने टिप साइजेस चूज किए और टिप साइजेस के अकॉर्डिंग मैंने टिप्स को चिपकाया।
और टिश्यू पेपर साथ में रखा, हाफ लॉक टिप्स थी मैंने यूज़ की, और उसके बाद मैंने ब्लेंड किया अपनी टिप लाइन को और इसको अपनी डिज़ायर्ड शेप प्रोवाइड की, एंड देन वी आर डन विद आवर एक्सटेंशंस। तो आप देख सकते हैं, दिस इज माई एक्चुअली लेंथ एंड दिस इज माई एक्सटेंशंस। ये मेरे दूसरे हाथ की है और ये मैंने जो अब लगाई है आपके सामने। ओके गाइस, ओके फाइन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जेलिंग करना सीखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेल बिल्डिंग की थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।